हाँ जी सारे जी नमस्ते। अपने हिमाचली यूट्यूब चैनल च तुहां दा बड़ा बड़ा स्वागत है। तो जे दिखा अज दी मेरी जिहड़ी स्वीट रेसिपी है या नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है मिठा पेठा, यानी कि कद्दू का हलवा। ते दिखा मैं पेठा ले आ, इसे कद्दू भी बोल दे कने, दिखा बढ़िया पक्के कद्दू लिया कने, रंग दिखा तो हाँ कितना बढ़िया है। तो बड़ा स्वाद मिठा पेठा या कद्दू का हलवा बनता है। तो हूँ मैं क्या करना, इसे छिली करी कद्दूकस कर लेना है। ते दिखा लगभग आधा किलो पेठा था, तो इससे मैं ये बढ़िया कि कद्दूकस कर लिया। दिखा ये दिखा, तो हूँ चला शुरू कर दे हूँ बनाना मिठा पेठा या कद्दू का हलवा। ते दिखा सारे तो पहले क्या करना है, जो कद्दूकस पेठा कित है इसे बुनना था, तो इस ये दिखा कढ़ाई रखी थी जो है, तो इससे दिखा मैं लगभग 1 चम्मच देसी घी पाई देना है। देसी घी ना बड़ा बढ़िया स्वाद होंगे। कने इस चे देखा हूँ मैं ये जो कद्दूकस कितिया पेठा है ये भी पाई देना है। कने बढ़िया की भुनना है पकाना है इसकी। ये देखा कने देखा बढ़िया की मिक्स करना है। अजय तो हाँ जो इं लगता तो बड़ा मतलब ज़्यादा कढ़ाई है, पर जियां जियां पकते चलना पेठे तो तीन इन्नी घट होते चलना है। ये देखो सॉफ्ट होना चाहिए तो इन्नी थोड़ा और घटी जाना है। देखो तो बढ़िया कि मिक्स कर लेना है जी। तो देखा जियां हाँ जियां गाजर का हलवा बनाते हलवा बनाते तो इसे भी बढ़िया कि बुनते रहते, तो जितना बढ़िया जियां पेठा बुन गए ना उतना बढ़िया आता है मिठा पेठा बनना या कद्दूए का हलवा बनना है। देखा तो लगभग 5 से 6 मिनट बुनते रहना है, इं कहीं चलाते रहना है। ये देखा देखा हूँ लगा जी घटना, पहले थोड़ा जी ज़्यादा लगा था हूँ देखा जी पकना लगा है बुनना लगा, तो देखा थोड़ा कम भी लगा होना, तो बस इं चलाते रहना बीच बीच कने बुनते रहना है। कने देसी घी पाए तो बड़ी अच्छा खुशबू वो थी उसकी। ये देखा तो बस इं बुनते रहना है पेठे। तो देखा लगभग 5 से 6 मिनट बढ़िया कि पेठा भुनी लिया है। ये देखी सकते हैं तो हाँ कहने पहले देखा कितना था तो हूँ कितना की रही है। तो देखा बढ़िया कि भुनी लिया है, रंग देखा चेंज हो गया है। तो हूँ इस पाई देनी है खंड, जो मिठा जोड़ा तो अपने हिसाब से पाई सकते। तो देखा लगभग 1/4 कप मैं खंड ले जो है ये देखे पाई देनी है। कने बढ़िया कि मिक्स कर लेनी है पेठे च। ये देखा तो मिठा तो अपने स्वादे हिसाबे पाई सकते घट वध। ये देखा तो हूँ जियां खंड पिघलनी है तो बड़ी चाशनी बननी है। ये देखा तो हम दिखी सकते हैं कितनी बढ़िया चाशनी छुटी गई है, बढ़िया खंड पिघली गई है। ये देखा कहना हूँ गैस की फ्लेम कर लेनी है लो, कने ढक्कन ढकी देना है, कहीं बीच एक वेला दिखी लेना पेठा। तो देखा खंड पाने के बाद 2 से 3 मिनट हो गया न, कने देखा कितनी बढ़िया चाशनी छुटी हुआ है। कने ये देखा रंग देखा तो कितना बढ़िया लगा है। ये देखा तो देखा लगी है चाशनी सुकना, तो 2 से 3 मिनट और पका लेना हाँ पेठा। ये देखा कने बिरी ढक्कन ढकी देना। तो देखा मिठे पेठे पकते हो जाए लगभग 5 से 6 मिनट, खंड पाई थी बढ़िया देखा अब्जॉर्ब हो गई है पेठे च। कने पहले तो हम देखी सकते कितना पेठा था पूरा ही कढ़ाई बरोई थी, कने हूँ देखा ला कितने की बची है। तो ये देखा हूँ तैयार हो गया हाँ मिठा पेठा, तो हूँ इस पाई देना ये देखा ड्राई फ्रूट बादाम कने काजू, तो हाँ अपनी पसंद दे ड्राई फ्रूट पाई सकते, बढ़िया कि मिक्स करी देने। देखा ये हाँ मिठा पेठा कद्दू का हलवा तैयार है खाने तीन है, तो उनमें से एक सर्विंग प्लेटा च कटी जाता है। हाँ जी तो ये देखा मिठा पेठा खाने तीन बिल्कुल तैयार है। तो हाँ देखी सकते हैं कितना बढ़िया रंग आया मिठे पेठे का, कने खाने भी ये बड़ा स्वाद लगता। तो तुम भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी हो, कने कमेंट करके दसने कि तो ये मिठे पेठे की रेसिपी कदे लगी है। कने अपना हिमाचली यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब भी कर लेना। तभी मिलते हैं एक नवी वीडियो, तो वीडियो देखने तीन बड़ा बड़ा धन्यवाद।